नमस्कार। G20 की हफ्ते भर की अहम गतिविधियों को समेटे हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी GPFI की दूसरी बैठक 6 से 7 मार्च को हैदराबाद में आयोजित हुई। इस दो दिवसीय बैठक में G20 संगठन और गैर G20 देशों के वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में GPFI के सदस्यों ने विचार विमर्श किया और डिजिटल वित्तीय समागम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। वहीं दूसरी ओर सोमवार से सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान यानी SAI 20 के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक कल से गुवाहाटी में शुरू होगी। कार्यक्रम की विषय वस्तु ब्लू इकॉनमी और जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमत्ता रखी गई है। बैठक का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है जिसमें सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाएं शासन में सक्रिय भागीदार हों, साई यानी G20 के सदस्य देशों की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी सर्वोच्च लेखा संस्थाओं की यह बैठक है और इसमें G20 के सदस्य देश, अतिथि देश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। SAI 20 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, ओमान, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के सदस्य व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। इस विशेष कार्यक्रम में हम देखेंगे कि इन दोनों G20 के अहम बैठकों के क्या रहे मायने, क्या निकला निष्कर्ष और सोमवार से गुवाहाटी की SAI 20 एंगेजमेंट बैठक में किन किन विषयों पर होगी चर्चा। हमारे साथ अपनी विशेषज्ञ राय देने के लिए खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और DG RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। हम इनसे जानेंगे विशेषज्ञ राय। और लेकिन एक बार हम फिर आपको बताते हैं कि जो हैदराबाद में फाइनेंस ट्रैक की बैठक हुई उसमें वित्तीय और बैंकिंग सुविधाओं पर सबकी पहुंच बनाने, डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ बनाए जाने पर खासा जोर रहा। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहा हैदराबाद की फाइनेंस ट्रैक की बैठक। देश में G20 की जारी बैठकों के बीच हैदराबाद में फाइनेंस ट्रैक की अहम बैठक का शुभारंभ हुआ। वित्तीय समावेशन को लेकर यह दूसरी बैठक है। भारत का जोर डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ और सबकी पहुंच में बनाए जाने पर है। इटली सह अध्यक्षता कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की वित्तीय समावेशन योजना 2024-26 में डिजिटल रूप से वित्तीय समावेशन पर जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्लोबल फिनटेक्स 2021 और IFC MSME रिपोर्ट के मुताबिक 24% वयस्क यानी दुनिया के तकरीबन 140 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं, जिसमें से 54% लोगों की आबादी 7 विकासशील देशों में ही है। विकासशील देशों के 50% वयस्क जिन्होंने ऋण लिया है उसमें से भी आधे से भी कम लोगों ने औपचारिक वित्तीय व्यवस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है। वहीं विकासशील देशों में करीब 131 मिलियन या MSME के करीब 41% लोगों की वित्तीय जरूरतें पूरी भी नहीं हुई, यानी अगर वित्तीय खाई को देखें तो यह 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। इन MSMEs में से 23% महिलाओं द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ऐसे में MSME सेक्टर में वित्तीय खाई को पाटने पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं शाम को G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हैदराबाद से अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD News। और हैदराबाद में आयोजित हुई 6 से 7 मार्च के बीच में फाइनेंस ट्रैक की बैठक, हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, कल SAI 20 की बैठक गुवाहाटी में होनी है, जो फाइनेंस ट्रैक की बैठक हुई, जो आंकड़े आए वो बेहद महत्वपूर्ण है कि 140 करोड़ लोगों को कम से कम बैंक खाते नहीं हैं, इनमें से 7 विकासशील देश ऐसे हैं जिनमें 54% ऐसी ये आबादी है। किस तरीके से ये मंच G20 का, फाइनेंस ट्रैक की बैठक का आगे की राह तय करता है कि वित्तीय समावेशन हो, और कितना महत्वपूर्ण भी है वित्तीय समावेशन किया जाना विकासशील देशों में? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने रखा। जो हम लोग पिछले कोविड काल में भारत में देख चुके हैं, भारत के विकास का जो हमारा मॉडल आज पूरे विश्व में सराहा जा रहा है,
डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर में GPFI में ये एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा है। जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने कई प्रयास किए हैं पिछले वर्षों में, जहां हम लोगों ने अनबैंक लोगों को चाहे जनधन से चाहे डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को मजबूत करके हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन अब हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में पहुंचाया है। और इसके कारण आज वो राष्ट्र जिनका आपकी रिपोर्ट में जिक्र किया गया, जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, जहां डिजिटल पेमेंट नहीं है, आज एक महत्वपूर्ण संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कोविड में भारत में संकट पता नहीं चला, क्योंकि हम लोगों ने 2016 से इसके प्रयास किए और 16 के बाद से जो प्रयास 2021 में और तेजी से हुए, आज की तारीख में भारत में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो चाइना के मुकाबले 3 गुना जाता है। और अगर अमेरिका, यूरोप और यूके तीनों को मिला दिया जाए तो इन तीनों के मिलाने के बाद 7 गुना ज्यादा भारत का डिजिटल ट्रांजेक्शन है। तो ये जो महत्वपूर्ण हमने अंग रखा है, यही एक महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन का जो रोडमैप तैयार करने की बात हैदराबाद में GPFI की बैठक में हुई है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें उन्होंने 2024 से 2026 का एक रोडमैप सामने लाने का तय किया है, जिसको GPFI फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान कहा गया है। और इस एक्शन प्लान के अंतर्गत कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जहां भारत का अनुभव, क्योंकि डिजिटलाइजेशन संभव है लेकिन डिजिटलाइजेशन कम कॉस्ट पर हो, डिजिटलाइजेशन ऐसी जनसंख्या में हो जिनका जहां डिजिटल डिवाइड एक बड़ी समस्या रही है, ऐसे विकासशील देशों में जिन 7 देशों की आपकी रिपोर्ट में चर्चा की गई, जहां करीब करीब 24 करोड़ लोग बताए गए कि वो लोग अनबैंक्ड हैं, ये एक महत्वपूर्ण बैठक हैदराबाद की हुई है। और मैं समझता हूं कि इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का भारत का अपना अनुभव है, G20 के माध्यम से हम दूसरे देशों तक ले जा पाएंगे। जी चतुर्वेदी जी, एक चीज और, जैसा आपने भारत की उपलब्धियों की बात कही, चाहे वो UPI पेमेंट की बात हो या फिर DBT की, जो जैम का हमारा संकल्पना रही उसने पूरे आमूल चूल परिवर्तन किया लाभार्थियों को लेकर, और साथ ही साथ पेमेंट और सीधी पहुंच बनाने, डिजिटल गैप या फिर फाइनेंशियल गैप के साथ साथ जो गरीबी की, पावर्टी की जो खाई है वो भी खत्म होगी कहीं ना कहीं भारत के इस दिखाए हुए रास्ते से, और किस तरीके से भारत के अनुभवों का लाभ इस मंच के द्वारा दुनिया को हासिल हो रहा। देखिए, 3 तरह के मेजर फायदे हैं। ये प्रधानमंत्री का सोच रहा कि हम कहीं पे भी लीकेजेस नहीं होने देंगे, जो अक्सर कहा जाता है कि 1 रुपए में से 15 पैसे ही पहुंच रहे हैं, तो वो स्थिति से भारत निपटा है। और हम लोगों ने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इस खाई को कई हद तक पूरा किया है, और इसमें टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत का ये जो अनुभव है ये सारे विकासशील राष्ट्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को बैंक का एक्सेस नहीं था, जिन लोगों को बैंक नहीं था, उन लोगों को बैंक की सुविधा देना, उसको मोबाइल से जोड़ना, ये एक महत्वपूर्ण हमारा अचीवमेंट रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा, उन योजनाओं को सामने लेकर के आना है जिसके माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके, चाहे वो ऋण की सुविधा हो, चाहे वो डिपॉजिट की सुविधा हो, और चाहे वो जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचाने की योजना। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे प्रोफेसर चतुर्वेदी, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए DD News। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था, पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में, इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्टअप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट।
लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं G20 की बैठकों का जो दौर जारी है उसमें फाइनेंशियल ट्रैक की बैठक हैदराबाद में हुई और सोमवार से SAI 20 यानी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की बैठक गुवाहाटी में दो दिन की बैठक शुरू हो रही है। हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान ये 24 से 26 के बीच में इसको मूर्त रूप दिया जाना है, भारत की इस बैठकों के दौर में भी इसका काफ़ी कुछ हिस्सा जो है भारत के योगदान से और भारत की सहमतियों से, इन देशों की सहमतियों से होना है, किस रूप में देखते हैं इसका जो भावी स्वरूप होगा और इन जो बैठकों का जो दौर चल रहा है इससे? इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस ढंग से देखा जा सकता है जो इसमें भागीदारी हुई। जैसा आप जानते हैं कि भारत ने ग्लोबल साउथ से लोगों को आमंत्रित किया, एक बड़ी संख्या में ग्लोबल साउथ के लोग इस बैठक में हैदराबाद भी पहुंचे। उसमें AFCFTA जो अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके भी लोग थे। इससे ये बात आपको ख्याल में आएगी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विदेश में अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, भारत स्वयं अब उसका एक गवाह बना है, तो ये जो विकास की एक नई यात्रा ट्रेड के माध्यम से हो रही है जिसमें टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपको ख्याल में होगा सऊदी अरेबिया के साथ जो हमने पीछे ट्रेड एग्रीमेंट किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसमें डिजिटल डेटा, क्रॉस बॉर्डर डेटा एक महत्वपूर्ण अंग थे और इसीलिए आज इसका एक हिस्सा है जहां हम डॉलर के जगह रुपए का इस्तेमाल, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करना, रेमिटेंसेस जो आते हैं भारत और बाकी विकासशील देश ग्लोबल साउथ जो है वो रेमिटेंसेस का एक बड़ा रेसिपिएंट, एक महत्वपूर्ण हमारे स्रोत के रूप में नेपाल के लिए, भूटान के लिए, बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में रेमिटेंसेस निकले हैं। वो पैसा जो हमारे लोग बाहर से भेजते हैं वो रेमिटेंसेस कहलाते हैं। तो वो रेमिटेंसेस की जो कॉस्ट है वो अभी बहुत हाई है। इस तरह के डिजिटलाइजेशन से GPFI जो है वो इस बात का प्रयास कर रहा है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान बनाया है उसमें रेमिटेंसेस भेजने की जो कॉस्ट है वो हम कम कर सके। और इसको कम करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ हमारे सामने इतना है कि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सके, इंक्लूजन को इंश्योर कर सके। और जैसा मैंने कहा कि उसमें अफ्रीका के भी देश हैं, साउथ एशिया के भी देश हैं और ये सारे देश एक बड़ी संख्या में इस हैदराबाद की बैठक में शामिल हुए। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। हम बात करते हैं कि कल से एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक सोमवार से गुवाहाटी में शुरू होने जा रही है और अलग अलग देश के हिस्सों में विभिन्न कार्य समूहों की जो बैठक हो रही है उनमें भारत की अध्यक्षता में G20 के अलग अलग देश के हिस्सों में जो अहम बैठकें हो रही हैं, इसी कड़ी में असम के गुवाहाटी में साई यानी कि G20 सदस्य देशों की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 से 15 मार्च के बीच आयोजित होगी। बैठक में ब्लू इकॉनमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा होगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने इन दोनों ही विषयों पर बैठक में की बात कही और उन्होंने संकल्पना पत्र रखे जाने की भी बात कही। भारत इस पर एक संकल्पना पत्र रखेगा जिस पर G20 के सदस्य देश अपने अनुभव भी साझा करेंगे। ब्लू इकॉनमी एक ऐसा आर्थिक प्रणाली है जो समुद्री और ताजा पानी के संरक्षण और इसके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ खाद्य और ऊर्जा उत्पादन करने, आजीविका का समर्थन करने और आर्थिक उन्नति के विभिन्न नीतियों में शामिल होता है। सरकारों, व्यवसायों और नागरिक सामाजिक संगठनों में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जागरूकता पैदा करने के लिए भी G20 के सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है गुवाहाटी से कल से शुरू होगी, सोमवार से शुरू होगी और G20 के SAI 20 इंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में की गई थी जब इंडोनेशिया की अध्यक्षता थी और इसके माध्यम से आर्थिक प्रक्रिया के संचालन में गति देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। प्रोफेसर चतुर्वेदी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब गुवाहाटी में सोमवार से जो ये बैठक SAI 20 की हो रही है,
किस रूप में पब्लिक सेक्टर में अगर देखते हैं ऑडिट की आवश्यकता और ऑडिट के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता और उस ऑडिट में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों की आवश्यकता, किस रूप में ये आगे का रोड मैप आप देखते हैं? कल की बैठक किन किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं? अश्विनी जी, दो तीन बातें महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। पहला, हमें ये जानना होगा कि जो फाइनेंस ट्रैक है, तो जो हैदराबाद की बैठक हुई वो जो वित्त ट्रैक है, फाइनेंस ट्रैक है, उसके अंतर्गत हुई थी। दूसरा ट्रैक G20 में शेरपा ट्रैक है और उस शेरपा ट्रैक में भी दो ट्रैक्स हैं। पहला वर्किंग ग्रुप्स हैं जो सरकार और सरकार के बीच में होते हैं, दूसरे एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। तो ये जो CAG की बैठक गुवाहाटी में हो रही है, ये एंगेजमेंट ग्रुप है और ये एंगेजमेंट ग्रुप सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का एंगेजमेंट ग्रुप है, जिसे SAI कहा जाता है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, SAI। तो ये SAI की बैठक है और ये SAI का गठन इंडोनेशिया ने, जैसा आपने अभी कहा, अपने प्रेसिडेंसी में किया था। तो ये बेसिकली दूसरी बैठक है SAI की और जो प्रयास किया गया है कि जो हमारे ऑडिट एजेंसीज हैं वो ऑडिट के माध्यम से एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, तीनों चीजों का प्रसार करें, तीनों चीजों को आगे लेकर के जाएं। और इसमें जो दो विषय चुने गए हैं, जैसा आपने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जवाबदेही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या दूसरा जो नील क्रांति हो रही है जिसे ब्लू इकोनॉमी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो हो। इसके बारे में एक प्रिपरेटरी वर्कशॉप अभी दिल्ली में की गई थी जिसमें CAG ने उसको होस्ट किया था और ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑडिटर्स और इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने अपने आप को विकास के सतत लक्ष्य SDGs जो है उसके लिए भी अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए दोनों विषय आने वाले समय में ऑडिट एजेंसीज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस, और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का, आसान सा डोर, लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए, डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि RBI करना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं, अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी। आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है, महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं, कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉरपोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS-TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो, पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है, माइसोर सैंडल सोप। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्टअप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कल से
गुवाहाटी में शुरू होने वाले साई 20 बैठक की हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी। प्रोफेसर चतुर्वेदी, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लू इकॉनमी की जैसे बात है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि जिनकी तटीय रेखा और समुद्री रेखा से उनके तटीय क्षेत्र काफ़ी जुड़े हुए हैं, किस तरीके से तकनीक के इस्तेमाल से, किस तरीके से अभी स्थायी विकास के लिए सामुद्रिक संसाधनों का दोहन उतना नहीं हुआ है पूरी दुनिया की अगर बात करें, कुछ एक देशों को छोड़कर, किस तरीके से इसको आगे की राह आप देखते हैं? आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही, प्लीज अनम्यूट करें। अश्विनी जी, ब्लू इकोनॉमी में कई तरह के मुद्दे हैं, उसमें दो या तीन अगर श्रेणियों में बांट करके अगर आप देखें तो सबसे पहला मुद्दा जो साई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, G20 के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है ब्लू इकोनॉमी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो नेशनल इनकम में G20 देशों में ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है, उसको मेजर कैसे किया जाए, उसको हम कैसे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में लेकर के आए, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको लेकर के जो दिल्ली में अभी CAG की बैठक हुई थी उसमें भी ये मुद्दा निकल करके आया, तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि फ्रेश वाटर और ओशन, ये दोनों में जो विकास के सतत लक्ष्य हैं जिसको गोल 14 SDG का कहा जाता है, तो वो समुद्र और समुद्र में जो तमाम हमारी ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हैं, जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है, जो इंश्योरेंस है, जो री इंश्योरेंस है, इन तमाम मुद्दों को एक साथ एक फ्रेमवर्क में लाने का प्रयास। और तीसरी महत्वपूर्ण मुद्दा उसका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है और एनवायरमेंटल कॉस्ट है। तो ये तीन तरह के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और इनको उसी फ्रेमवर्क में जिसमें हम एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में साई में देखते हैं, उसी फ्रेमवर्क में SDG के नजरिए से ब्लू इकोनॉमी को देखने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बस चलते चलते एक सवाल और, ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है और ऐसे दौर में हो रही है जब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही साथ पर्यावरण में जो चेंज आ रहे हैं उससे आजीविका पर संकट आ रहा है, विकसित और विकासशील की जो बहस है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण जवाबदेही के लिए आती है, वो सब चीज़ें कितनी मुखर हो सकती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने देखा COP 27 में एक नए ट्रस्ट फंड को बनाने की बात की गई, ऑडिट एजेंसीज इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऑडिट एजेंसीज जो हमारे टैक्स के कोहेरेंस हैं, और ये चूंकि एंगेजमेंट ग्रुप है, सरकार से पृथक है लेकिन सरकार से जुड़ा हुआ है, तो ये लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनके ऑडिट और ऑडिट प्रैक्टिसेस जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके जो टैक्स इवेजन है, जो उन लोगों के टैक्स अंडरमाइनिंग की एक टेंडेंसी है, उसको गवर्नेंस में लाने के लिए जैसा COP 27 में कहा गया, उस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वर्कशॉप में भी महत्वपूर्ण होगा और ये ब्लू इकोनॉमी के लिए भी महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इन विषयों पर अपने विचार रखने के लिए। तो G20 में के तहत बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और सोमवार से दो दिन की बैठक गुवाहाटी में हो रही है, जो कि सर्वोच्च वित्तीय लेखा परीक्षकों की संस्थाओं की बैठक है। G20 और सदस्य देश और अतिथि देशों के प्रतिनिधि तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिव रूप पर चर्चा होगी। मंथन इस बात पर भी होगा कि किस तरह मिलकर लोग पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आपसी सहयोग से प्रकृति का दोहन नहीं, उसका जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मिल्किंग ऑफ द नेचर, हम पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ उसका उपयोग करके सबके कल्याण की बात कर सके, आगे का राह प्रशस्त भी कर सके। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD News। नमस्कार।